दोस्तों नमस्कार, मैं कल्याण सिंह चंदेल। आज मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से गूगल क्लासरूम में क्लास को ज्वाइन करना है, क्योंकि काफी समय से मैं देख रहा हूँ कि विद्यालय की तरफ से इनविटेशन जा चुका है, लेकिन अभी भी गूगल क्लासरूम में 2, 4, 5, 10 स्टूडेंट ही ज्वाइन हुए हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आपको क्लास ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधे जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पर आपको टाइप करना है गूगल क्लासरूम। ठीक है, सीधे आप टाइप करेंगे गूगल क्लासरूम, सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से गूगल क्लासरूम का आइकन दिखाई देगा और इसको हमें करना है इंस्टॉल। इसको हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ 15 MB का मान लीजिए कि आपका गूगल क्लासरूम का एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं है तो आप गूगल क्लासरूम को किसी भी परिस्थिति में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हम करते हैं, गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करते हैं। तभी धीरे धीरे मेरा गूगल क्लासरूम जो है डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। गूगल क्लासरूम अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में चलाना चाहते हैं तो वहां पर भी गूगल क्रोम का एक इंस्ट्रक्शन आता है, उसको आपको ऐड करना पड़ता है, तो वहां पर भी इसी तरह हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल में किस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो इस समय मेरा गूगल क्लासरूम जो है वो डाउनलोड हो चुका है, तो आइए इसको ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, और आपको ध्यान रखना है कि आपको उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जिस ईमेल आईडी से आपने विद्यालय को प्रोवाइड किया है, जिस ईमेल आईडी से विद्यालय ने आपको इनविटेशन दिया है। तो चलिए, मैंने ओपन कर लिया गूगल क्लासरूम। देखो, जैसे मैंने गूगल क्लासरूम ओपन किया है तो यहाँ पर आ गया गेट स्टार्टेड। अपन गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अपने पास कई सारी जीमेल आईडी है, जिस जीमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है उस जीमेल आईडी पे आप क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो आपका गूगल क्लासरूम ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे बैक जाना है। और आपको कहाँ जाना है, सीधे जाना है आपकी मेल आईडी पे, जहाँ पर विद्यालय की तरफ से आपको इनविटेशन आना है। तो आपने सीधे जीमेल ओपन कर लेना है। आप जीमेल ओपन करेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारे मेल आए होंगे, जिसके पास ज़्यादा काम रहता है वो ज़्यादा मेल्स आते हैं। तो आपको सर्च करना है कि शारदा विहार की तरफ से कोई मेल आया है क्या। तो सीधे अपन टाइप करेंगे शारदा विहार और सर्च मार देंगे। शारदा विहार जैसे सर्च मारेंगे तो आपने देखा कई सारे इन्विटेशन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हम शारदा विहार का जो भी मेल आपके मेल में आया है आपको सीधे से उसको ओपन कर लेना है। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर देखो गूगल क्लासरूम आ रहा है, शारदा विहार का मेल आईडी आ रहा है, और सीधे यहाँ पर लिखा हुआ है शारदा विहार क्लास 8, यानी आपको क्लास 8 को ज्वाइन करने के लिए इन्विटेशन है। आपको सीधे से क्लिक कर देना है ज्वाइन पे। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो गूगल क्लासरूम है उस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मोड जाता हूँ और गूगल क्लासरूम पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जिस ईमेल आईडी से ज्वाइन करना उस ईमेल आईडी पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा क्लास ज्वाइन हो जाएगा, मेरे यहाँ पर क्लास आने लगेगी और उस क्लास में जो भी अपडेट्स आएगा, जिसने भी जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है वो सारा पूरा आपको दिखाई देने लगेगा। तो डेली टाइम टेबल आपके पास है, उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको गूगल क्लासरूम ओपन करना है और देखना है कि किस टीचर ने आपको क्या चीज़ भेजी है। वो नोट्स भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, या किसी भी चीज़ की लिंक हो सकती है। जैसे मुझे लाइव क्लास लेनी है जूम पर, तो जूम की इन्विटेशन लिंक भी आपकी हो सकती है। तो वहाँ से डायरेक्टली ओपन करके आप सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्लास को ज्वाइन करना है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से वीडियो को देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और क्लास तुरंत से तुरंत ज्वाइन करें, ताकि मंडे से प्रॉपरली आप सभी की क्लासें स्टार्ट हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।